हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे कि सीमेंटेड बेस यानी सीटीबी का डिजाइन कैसे करते हैं और उसका कंसेप्ट क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम हम नहीं गवाते हैं, तो चलिए शुरू करें। इसमें पहला स्टेप क्या है कि आपको एग्रीगेट का इंडिविजुअल ग्रेडेशन करना है। तो आपके सामने ये देखिए सीट दी गई है, उसमें 53 मैक्सिमम साइज है। तो आप 40, 20, 10 और डस्ट, ये चार मटेरियल ले लीजिए और चारों को इसी सीट से आप जो है उसको ग्रेडेशन कर लीजिए और बाद में उनको ब्लेंड कर लीजिए और परसेंटेज आप फिक्स करिए जिससे कि वो आपका रिक्वायर ग्रेडेशन में आ जाए। उसके बाद स्टेप टू क्या है, उसमें आपको एक काल्पनिक मॉइस्चर डेंसिटी रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। उसके लिए सीधा सीधा हिसाब किताब ये है कि जो भी आपका टारगेट है, मान लीजिए अगर आपका 2% टारगेट है तो 2% में आप प्रॉक्टर कर लीजिए, 2.5% में टारगेट तो 2.5 कर लीजिए, 3% में टारगेट है तो 3% आप उसमें आप प्रॉक्टर मोल्ड भर लीजिए और उस की आप जो है मॉइस्चर डेंसिटी कर्व बनाइए और उसके हिसाब से आप उसका ओएमसी और एमडीटी आप निकालिए। तो आपका ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप में क्या है कि आपको सीमेंट कंटेंट सिलेक्ट करना है। तो सीमेंट कंटेंट सिलेक्ट करने के लिए 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3% पे आप मोल्ड भरिए, अलग अलग मोल्ड भरिए और उसमें ओएमसी कौन सी लेंगे आप, वो पहले जो आपने ओएमसी निकाली थी वही वाली आप जो है ओएमसी लेके उससे आप यहाँ पर मोल्ड भर दीजिए और सभी के परसेंटेज के दो दो मोल्ड भरिए। जैसे एक कर रहे हैं तो एक पे दो मोल्ड भरिए, 1.5 पे 2 बढ़िए और आप उन मोल्ड को जब आप भर लीजिएगा तो 7 दिन बाद उसका जो है आप कंप्रेसिव हिस्सा निकालिए और दो दो मोल्ड का आप एवरेज निकाल लीजिए और फिर सीमेंट कंटेंट और उसपे कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया है उस पे आप ग्राफ खींच लीजिए और उस ग्राफ से जो आपको सीमेंट क्या मिल रहा है वो आप निकाल लीजिए, जो भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, जितना एमपीए चाहिए था, मान लीजिए आपको 5 एमपीए चाहिए तो कितने सीमेंट कंटेंट पे वो 5 एमपीए आ रहा है वो आप सीमेंट निकाल लीजिए। अभी यहाँ पे आपको क्या हो गया कि सीमेंट आपका फिक्स हो गया। अब चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। अगला स्टेप क्या है कि अभी तो आपको सीमेंट आप डिसाइड हो गया है, अब आपका मेन काम क्या है, उस सीमेंट पे आपको मोल्ड भर देना है। तो जो सीमेंट आपका डिसाइड हुआ है आप उस पे प्रॉक्टर करिए, आप उसमें प्रॉक्टर करिए और उस प्रॉक्टर पे जो रिजल्ट आए उसका आप मॉइस्चर और डेंसिटी कर्व डालिए और उसमें से ओएमसी और एमडीडी निकाल लीजिए। आपका रिजल्ट जो है यानी आपका डिजाइन का स्टेप पूरा हो गया। और कंफर्म करने के लिए क्या करना है, आप जो है जो एमडीडी ओएमसी आई है उसी पे ही डिजाइन कंफर्म करने के लिए आप फिर से क्यूब मोल्ड भर दीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं।